हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश चड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रोक में। तो आइए, मैथ्स स्ट्रोक में आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th NCERT मैथ्स प्रश्नावली 14.2। जैसा कि आप जानते हैं NCERT मैथ चैप्टर 14 जो है सांख्यिकी, उसमें मुख्य रूप से चार बिंदु को हम लोग को पढ़ना है। चार टॉपिक है उसमें। फर्स्ट तो है मीन, जिसको माध्य बोलते हैं, और दूसरा मोड यानी कि बहुलक, और तीसरा मीडियन यानी कि माध्य, जिसको माध्यिका भी कहते हैं, और चौथा में जो है तोरण खींचना, ओगिव जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग 14.1 करा चुके हैं, माध्य सिखा चुके हैं। आज हम लोग 14.2 का प्रश्न संख्या 1 करेंगे, ठीक है ना, जिसमें बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक मोड। और मैं आप सभी को श्योर करना चाहता हूं कि आज का ये क्लास और ये वीडियो देखने के बाद बहुलक का ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आप कोई सा भी क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, आप इसी कॉन्सेप्ट पे बना लीजिएगा। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। बिक से बिक बच्चा जो मैथ्स में बहुत कमजोर है, वो भी बहुलक एक वीडियो में आज समझ लेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। मतलब प्रॉमिस करता हूं कि ऐसा वीडियो होगा आज का, ऐसा क्लास होने वाला है कि आप खुद कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। मैं कहता हूं कि 100% आप बहुलक समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी, ये जो आपका सारणी बना हुआ है टेबल, किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। यानी ऊपर जो आप देख रहे हैं आयु वर्षों में जो है, ये एज बता रहा है, पेशेंट का एज, रोगियों का उम्र बता रहा है, और नीचे में ये जो है ये रोगियों की संख्या बता रहा है। यानी समझिए कि यदि आपसे पूछा जाए कि 25 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में कितने रोगी हैं, तो देखिए 25 से 35 के बारंबारता जो है रोगियों की संख्या कितना, 21 है। तो आप कह सकते हैं कि 21 ऐसे रोगी हैं जिनका उम्र 25 से 35 है, या बोलेगा ऐसे कितने रोगी हैं जिनका उम्र जो है 45 से 55 वर्ष है, तो आप कहेंगे 14। ठीक है ना। तो अब देखिए ऊपर जो आयु जो दर्शाया गया है, ये 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, CI लिखा हुआ रहता है, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, जिसमें कुछ का गैप रहता है। ठीक है ना, ये वर्ग अंतराल है सब, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। और नीचे जो रोगियों की संख्या, ये फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में हिंदी बोलते हैं बारंबारता, यानी कोई भी चीज किसी भी डाटा में अगर कोई का बारंबारता दिया हुआ, इसका मतलब है कि वह डाटा में वह इतना बार अपीयर हुआ है, यानी उसकी बारंबारता को बता दो, यानी कितना बार वह अपीयर हुआ है। क्लियर है। तो चलिए बहुलक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपसे ध्यान दे दीजिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले बहुलक का क्या होता है, जो बहुत बार आता है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है वही बहुलक होता है। तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है, इसमें देखना है कि सबसे अधिक जो बारंबारता है कितना है। तो बारंबारता नीचे है रोगियों की संख्या, ये बारंबारता हुआ, इसको ढूंढना है कि पूरा में सबसे अधिक क्या है। सबसे पहला स्टेप है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, और बहुलक बनाना है मोड, तो देखना है कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी सबसे अधिकतम बारंबारता कितना है। तो देख रहे हैं कि सबसे अधिकतम बारंबारता पूरा में 23 है। क्लियर है, पहला पॉइंट देखना है इसमें सबसे अधिकतम बारंबारता कितना है, 23। 23 से ज्यादा कोई भी नहीं है, पहला बात समझ गया। इसको लिख देना है, लिखेंगे यहां सबसे अधिकतम बारंबारता 23 है, ये पहला काम था, समझ में आ गया, सबसे अधिकतम बारंबारता कितना है, 23 है, तो वो लिख देंगे। क्लियर है। अब चलिए दूसरा स्टेप में क्या करना है, 23 जो है उसकी वर्ग अंतराल को ढूंढना है, 23 जो है किस वर्ग अंतराल के अंदर में आता है। तो 23 के सामने देखेंगे, तो 23 के सामने क्या है, 35 से 45, समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले वर्ग को ढूंढना है, तब उससे पता करना है क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल,
तो 23 का सामने यानी 23 का संगत वर्ग वर्ग अंतराल क्या होगा 35 से 45, तो लिख देंगे 23 का संगत वर्ग या वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं कितना है 35 से 45। ये समझ में आया ना, सबसे पहला चीज करना है सबसे ज्यादा और उसका वर्ग अंतराल को लिख देना है। 23 का संगत वर्ग हो गया 35 से 45, तो इसीलिए जो होता है संगत वर्ग वही होता है बहुलक वर्ग। फिर से बोल रहा हूं, जो होता है संगत वर्ग वही होता है बहुलक वर्ग यानी कि मोड क्लास। यहाँ पे इसीलिए लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर यही हो जाएगा 35 से 45। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 35 से 45 जो है, या इसमें कोई भी ले सकता है 55 से 65, 45 से 55। तो ये वर्ग अंतराल जो है वो दो चीज से बनता है, एक तो एक को बोलते हैं निम्न सीमा जो छोटा रहता है, और दूसरा होता है उच्च सीमा जिसको निचली सीमा और ऊपरी सीमा भी बोला जाता है। यानी ये हुआ निम्न और ये हो गया उच्च। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। याद रहेगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर मतलब लो मतलब नीचा, निम्न सीमा देखिए 35 कम है और 45 ज्यादा हो गया उच्च सीमा। इतना समझ में आया कि वर्ग अंतराल क्या क्या चीज से बनता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा। यानी मैथ में कुछ यहाँ पे रखना नहीं, एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे, इससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बनेंगे जिससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद ब खुद कर लीजिएगा। तो चलिए ये निम्न सीमा हुआ, ये उच्च सीमा हो गया, ठीक है ना। तो निम्न सीमा को इंग्लिश में बोलते हैं लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट का फर्स्ट लेटर क्या होता है, एल होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देखिए ये मेन चीज होता है शुरू, यहाँ पे एल बराबर लिखना है। एल क्या चीज है, एक बार फिर से, एल क्या चीज को डिनोट करता है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग हमने यहाँ निकाला है, इसकी निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितना है 35, तो यहाँ एल बराबर क्या लिख देंगे 35। एल बराबर क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स 35 लिख देंगे, क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, अब लेना है F1। F मतलब फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। तो यहाँ पे F लिखा हुआ है तो बारंबारता होगा, तो बारंबारता इसी घर में है ना, तो इसी में से कोई एक होगा, यहाँ पे ऊपर नहीं जाना, इसी में से कोई एक नंबर F1 होगा। तो चलिए ध्यान से सुनिए, दिमाग को एकदम स्थिर करके, F1 किसको लेंगे, तो जो सबसे अधिकतम बारंबारता है, जो सबसे अधिक बारंबारता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसको F1 लिया जाता है। एक बार फिर से बहुत बड़ा चीज बता रहा है, F1 किसको लेंगे स्टूडेंट्स, जो सबसे ज्यादा सबसे अधिक बारंबारता है। तो पूरा में सबसे अधिक कितना है 23। हर सवाल पे ये कॉन्सेप्ट काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो F1 किसको लेंगे जो सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक कितना है 23 लिख दें। अब लिखना है F0, तो फिर से F है यानी कि फिर से फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता ही लेना है। तो फिर से इसी में से कोई एक होगा, 6, 11, 21, 23, 14, 5 में से कोई एक होगा। तो F0 किसको लेंगे, तो बिल्कुल लॉजिकल चीज है। चलिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जिससे आप F0 तुरंत चीज कर लीजिएगा, तुरंत चुन लीजिएगा। 0 जो है 1 से पहले आता है कि बाद में, तो आप कहेंगे सर 1 से पहले 0 आता है, और F1 किसको लेना था सबसे अधिक वाला को, F0 तो F1 से ठीक पहले, F1 कौन था सबसे अधिक 23, तो उसे घर पहले क्या होगा 21, यही हो गया है 0। जो सबसे अधिक होता है F1 और उससे घर पहले वाला क्या होता है F0, क्योंकि 0 1 से पहले आता है, याद हो गया ना, बस सिंपल है। यहाँ पर F0 कितना हो जाएगा, एक घर पहले कितना है 21, समझ में आ गया। F1 सबसे ज्यादा को, F0 उससे घर पहले। हर चीज को रिपीटेशन करके बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। अब लेना है F2, फिर से आ गया F, यानी कहने का मतलब अब फिर से बारंबारता ही लेना है स्टूडेंट्स, तो फिर इसी में से कोई एक होगा। तो अब फिर से वही लॉजिक लगाइए, एक के बाद में 2 आता है कि पहले आता है, आप कहेंगे सर एक के बाद 2 आता है, और हमेशा सब किस पे नाच रहा है, एक पे यानी F1 पे। F1 किसको, जो सबसे ज्यादा रहता है उसको। तो F1 के जो बाद में होगा वो होगा F2, तो F1 21 था तो उसके बाद में क्या है 14, तो F2 कितना हो गया 14, यहाँ पर क्या लिख देंगे 14। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये F0 F2 तीनों एक साथ रहता है, लगातार रहता है। तो F1 सबसे बड़ा, F0 उससे घर पहले, F2 इससे घर बाद, कोई डाउट। अब यहाँ पर एक चीज और है आपको जरूरी पड़ेगा, H
अच्छा कहीं कहीं ना आपको फॉर्मूला में या कोई सर आई भी आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, आई और एच दोनों सेम चीज हो। तो भाई एच क्या होता है, तो जो बहुलक वर्ग में वर्ग अंतराल में जितना का डिफरेंस है, जैसे देखिए 35 से 45 में कितना का गैप है, 10 का गैप है, तो यही 10 जो हुआ वो एच हुआ। कहने का मतलब कोई भी देख लीजिए वर्ग अंतराल में 10 10 का डिफरेंट है, तो एच बराबर किसको लेंगे, जो बहुलक वर्ग में जितना का डिफरेंस है। क्लियर। अगर 1 2 3 4 5 अगर ये पांच चीज आप क्वेश्चन से निकाल लिए, सब क्वेश्चन से चुन के कुछ बनाना नहीं पड़ा है, इसी में से चुनना था, तो आपका समझिए कि बहुलक बन गया, समझिए बन गया। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला पे इसको डाल देना है। चलिए इधर आप लिखते हैं, आप नीचे स्पेस नहीं, आप लोग नीचे लिखेगा तो लिखेगा था बहुलक। तो आपको पता है बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैथ का जो रीड होता है फॉर्मूला होता है, आपको पता है अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो हम आप कुछ भी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो बहुलक का क्या फॉर्मूला होता है, तो देख लीजिए फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू और गुने एच। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब इसमें से देखिए जो भी आपको फॉर्मूला में दिख रहा है सारा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से सारे वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ से मान उठाना है यहाँ पे रख देना है। तो चलिए बनाते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे एल है, तो एल हमारा कितना है 35, तो सिंपली यहाँ पे डाल देंगे 35। फिर से क्या है एफ वन है, तो एफ वन कितना है यहाँ पर देखिए 23 और माइनस एफ जीरो, एफ जीरो कितना है 21 और बटा में 2 गुने एफ वन है, तो एफ वन कितना है 23 घटे एफ जीरो कितना है 21, बहुत आसान है, घटे एफ टू कितना है, तो एफ देखिए आप एफ टू कितना है 14 है और गुने में क्या है एच, तो एच कितना है 10, यहाँ पे क्या लगा दिए 10। क्लियर है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तब 35 प्लस देखिए 23 में से 21 जाएगा तो कितना आएगा 2, 23 में से 21 गया तो 2 और इसमें पहले गुना हो जाएगा, तो 23 गुना कितना आता है स्टूडेंट 46 और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 4 और 1 5 और 2 1 3 यानी 21 और 14 कितना आ जाएगा 35 गुने में क्या आ जाएगा 10। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे 35 प्लस 2 का 2 रह जाएगा, 2 का 2 और बटे में 46 में से 35 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11 और गुने में क्या आ जाएगा 10। क्लियर है। 35 प्लस 2 बटा 46 में से 35 11 गुने 10। अब चलिए इधर स्पेस नहीं है, इधर लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए पहले गुना करेंगे तो 35 प्लस ये रह जाएगा और 10 दूनी 20 और बटा में क्या आ जाएगा 11। ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा 11, 11 को 35 से गुना कर देंगे तो 11 पचे 55 का 5, ठीक है ना 5 है और कैरी 5 आ रहा, 11 33 और 5 38 यानी 385, 11 में 11 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 20 से इंटू करेंगे तो 20। ठीक है। अब 385 में 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 405 और बटे में 11। अब 405 में 11 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 11 33 और 11 66 36.81 यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 36.81 ऐसे डिवाइड कर लेना, यहाँ पे अगर डिवाइड मिस्टेक होगा तो आप देख लीजिएगा, यानी 405 में 11 से डिवाइड कर देना है, सवाल बन चुका है, बहुत आसान था। तो ये रहा आज का बहुलक का कॉन्सेप्ट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुलक समझ में आ गया होगा, बहुलक का क्या कॉन्सेप्ट है। ये वीडियो के मतलब ये पूरा को कॉपी राइट कर लीजिए, कॉपी पर उतार लीजिए और इसको एक दो बार रिवाइज कीजिए और देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं। मेरा दिल कह रहा है कि 100% आप बना लीजिएगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आगे यदि आपको बहुलक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, अभी अभी आए हैं,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक विशेषता, एक आवश्यक सूचना आप सभी टेंथ स्टूडेंट्स के लिए कि यदि आप 2021 के सेंटअप स्टूडेंट हैं और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसी चैनल के माध्यम से आपको सारे सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा, और स्पेशली मैथ का मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट जो बिहार सरकार द्वारा एडवाइजरी दिया जाता है वो आपको कराया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैथ्स में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तब तक जुड़े रहिए मैथ्स तो स्टॉक के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।